दोस्तों आप गाड़ी में बैठ के कैसे पता करोगे कि आपका गाड़ी का व्हील्स का जो अलाइनमेंट सही है कि नहीं? पहले आप देख लीजिए कि गाड़ी का पहिया सीधा है कि नहीं। दूसरा चीज, आपको गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील इसको सीधा रखना है। स्टीयरिंग व्हील सीधा रखने का मतलब ये नहीं कि पहिया सीधा है। व्हील सीधा है तो स्टीयरिंग व्हील को भी सीधा कीजिए, उसके बाद फर्स्ट गियर में डालिए, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ के आप गाड़ी को धीरे धीरे रेस दीजिए। अगर गाड़ी सीधा चल रहा है तो इसका मतलब है अलाइनमेंट सही है। अगर गाड़ी दाएं या बाएं तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि गाड़ी सीधा जा रहा है लेकिन स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा हो रहा है, ऐसा टेढ़ा हो रहा है कि ऐसा टेढ़ा है, इसका मतलब है स्टीयरिंग व्हील का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। स्टीयरिंग व्हील अगर सीधा है, गाड़ी अगर सीधा चल रहा है, तो इसका मतलब है व्हील का अलाइनमेंट सही है और स्टीयरिंग व्हील का भी अलाइनमेंट सही है।